सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, इससे आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। ये देखिए हमारी पपड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनी हैं, ये देखिए एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी यहाँ पर पपड़ियाँ बनकर। आइए आज हम बनाते हैं पानी पूरी के फ्लेवर वाली चटपटी पपड़ी। इसे हम पानी पूरी के फ्लेवर में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदे के साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम बेसन। ये है 100 ग्राम बेसन। इसके लिए मैंने लिया है पुदीना, एक बंच पुदीना मैंने यहाँ पर यूज किया है। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके साफ कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च, 10 से 12 मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है। इन पपड़ियों को हम तीखा चटपटा बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मिर्च का यूज किया है। यहाँ पर मैंने लिया है काला नमक, यह है काला नमक, एक चम्मच मैंने लिया है। यह है सफेद नमक, यह भी एक चम्मच है। साथ ही मैंने ली है आधी चम्मच हल्दी, ये मैंने लिया है एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और ये मैंने लिया है 2 चम्मच लेमन जूस, ये मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। और पपड़ियों को अच्छे से क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 20 ml कुकिंग ऑयल। इसका हम हमारी पूरियों में मोयन करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों की सहायता से हम बनाएंगे तीखी चटपटी पपड़ी। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले पुदीना, हरी मिर्च इनको पीस कर लेंगे, और इनसे जो हम पानी बनाएंगे उसी पानी से हम अपने आटे को बांधेंगे। तो मिक्सी जार में यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी मिर्च को। हमने हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही इसमें हम डाल देते हैं पुदीना। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच लेमन जूस। तो पीस लेते हैं इसे मिक्सी जार में। ये देखिए यहाँ पर हमने पुदीने, हरी मिर्च और नींबू को थोड़ा पानी डालकर पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से बारीक पीस लिया है यहाँ पर मैंने। अब इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं, इसी की सहायता से हम अपना आटा बांधेंगे। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आइए अब हम आटे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं मैदा। मैदे में यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ बेसन। अभी सब मसाले इसमें मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर लिया है नमक, ये है काला नमक, ये है काली मिर्च का पाउडर, ये है छोटी आधी चम्मच हल्दी, ये है अजवाइन, इसे हम हाथों में अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अब डाल देते हैं मोयन के लिए तेल। ये लगभग 3 बड़े चम्मच तेल मैंने यहाँ पर यूज किया है, लगभग 20 से 22 ml तेल है ये। इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे हमारे आटे में। अब हमने ये जो पुदीने का पानी बनाया है, इस पानी की सहायता से इस आटे को बांधेंगे। पुदीने के पानी की सहायता से हमने इस तरह से आटे को बांध लिया है। ये देखिए बढ़िया सा तीखा चटपटा पुदीने के फ्लेवर वाला हमारा आटा यहाँ पर बांध कर तैयार कर लिया है मैंने। अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर तैयार करेंगे हमारी पपड़ियाँ। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इससे बनाएंगे हमारी पापड़ी। पतली पतली पपड़ियाँ बनाएंगे यहाँ पर हम। इसके लिए लेते हैं आटे का एक छोटा पोर्शन, जो नॉर्मल हम रोटी के लिए पोर्शन लेते हैं आटे का, इतना ही हमको इसका लेना है। इस तरह से अच्छे से इसका एक गोला तैयार करेंगे। इसे हम थोड़ा सा, मैंने सूखा मैदा लिया है, इस मैदे में इस तरह से थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसकी पतली सी एक रोटी बेलकर तैयार करेंगे। Thank you.
ये देखिए बेलन की सहायता से मैंने एक बड़ी सी रोटी इस तरह से एकदम पतली बनाकर तैयार की है। ये देखिए एकदम पतली रोटी मैंने यहाँ पर बेली है। इसी तरह से मैं यहाँ पर सारी रोटियों को तैयार करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इन रोटियों को इस तरह से बेल कर ले लिया है। कपड़े पर मैंने इन्हें डाल दिया है। आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में हम इन्हें अच्छे से सूखने देंगे। उसके बाद बनाएंगे इससे हमारी पपड़ियाँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये जो रोटी है ये बहुत अच्छे से सूख गई है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे फैन के नीचे रख दिया था सूखने के लिए। अब हम इसे कट करेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम इस जो हमारी रोटी है इसको कट करके ले लेते हैं। इस तरह से रख देते हैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर और इसे अब आसानी से हम कट करेंगे। पतला पतला इसे इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे पतला पतला कट कर लिया है। अब हम इसे दो दो पार्ट में और डिवाइड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इतनी लेंथ हमको हमारे हर एक पीस की चाहिए। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे पीस मैंने इनके पपड़ियों के कट कर लिए हैं। सभी हमें इक्वल साइज के चाहिए। इसी तरह से मैंने सभी को कट किया है। हम डाल देते हैं हमारी सारी पपड़ियाँ। मीडियम गैस पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए हमारी पपड़ियाँ कितनी बढ़िया आई है। कितना अच्छा कलर आया है हमारी पपड़ियों को। बस हमारी पपड़ियाँ फ्राई हो गई है। बहुत जल्दी ही ये फ्राई हो जाती है। इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर पर हम इन्हें इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी पपड़ियाँ कितनी अच्छे से फ्राई हो गई है। बढ़िया सा पुदीने का टेक्सचर और कलर भी हमारी पपड़ियों को आ गया है। इसी तरह से हम अपनी सारी पपड़ियाँ फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी पपड़ियों को अच्छे से फ्राई करके ले लिया है। बहुत बढ़िया इस तरह से बहुत कुरकुरी हमारी पपड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी पपड़ियाँ एकदम क्रिस्पी बनी हैं। ये देखिए इन पपड़ियों में पुदीने का फ्लेवर है, मिर्ची की तिखास है, नींबू की खटास है। तीखी चटपटी पुड़ियाँ हमने यहाँ पर बनाकर तैयार की है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी इस तरह की तीखी चटपटी पुड़ियाँ अपने यहाँ पर दिवाली के सीजन में जरूर से बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।